कल हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि कर्मचारियों को कहा था कि वो कंपनी का कैंपस खाली कर दें, लेकिन कर्मचारी कैंपस खाली करने को राजी नहीं है। इसके लिए गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वो कैंपस को खाली कराएं और कर्मचारियों को कैंपस से 100 मीटर की दूरी पर विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए। इस बीच मारुति सुजुकी एम्प्लॉय यूनियन के नेता ने आरोप लगाया है कि उनके एक सदस्य को पुलिस कल रात उठा के ले गई है, जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने इस बात का खंडन किया है। मारुति के मैनेजमेंट ने गुड़गांव प्लांट को भी 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि 2 दिनों के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और कैंपस खाली कर देंगे कर्मचारी, उसके बाद फिर से कामकाज शुरू किया जाएगा। राजीव रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।